किसका जूता सबसे बढ़िया है? बस बस। तो दोस्तों, क्या आपको भी इस बात का कंफ्यूजन है कि आपका रनिंग शूज कैसा होना चाहिए? जब आप रनिंग शूज खरीदने जाते हैं, चाहे आप ऑफलाइन लेते हैं, चाहे आप ऑनलाइन लेते हैं, तो आपको किन किन बात, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना जब आप रनिंग शूज सेलेक्ट करते हैं, तो इसी वीडियो में आपको सारा कुछ बताएं डिटेल बाय डिटेल। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ रनिंग शूज़ भी रिकमेंड किया हूं, जो कि जनरली मैं उपयोग कर चुका हूं या फिर मेरे एकेडमी के जो बच्चे हैं वो उपयोग कर रहे हैं, वो सारा शूज़ के बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊं, तो वो भी आप जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारा कुछ आपको बारीकी से समझाते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फिट रहना चाहिए, ठीक है? आप जब भी जूता लें तो फिट लें, या ना कि बहुत ज़्यादा बड़ा बहुत ज़्यादा छोटा लें। इससे क्या होगा कि आपका जो पैर है वो कटने लगेगा, जिसके कारण आप रनिंग बहुत अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर पाएगा और रनिंग आप बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। ये हो गया पहला टिप्स। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स, जब भी आप रनिंग शूज़ खरीदना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको ये चीज़ ध्यान रखना, सोल, ठीक है? अब सोल में देखिए तीन तरह के सोल होते हैं, एक इनसोल, एक मिड सोल, एक आउट सोल। आपको मैं समझाता हूँ। इनसोल मतलब कि जो अंदर का ये कुशनिंग होता है, देखिए ये वाला, ये एक अच्छा रहना चाहिए। अगर ये भी आपका ख़राब है तो इससे भी आपको दिक्कत होगा, तो ये भी आपका बेहतरीन रहना चाहिए। अब बात करते हैं जैसे मिड सोल, ठीक है? तो मिड सोल में आपको ये जो स्पॉन्जी रहना चाहिए, देखिए इस तरह से, और आपका सोल थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो उससे क्या दिक्कत होगा कि जब आप हाइनी वगैरह करेंगे या फिर कोई गेम खेलेंगे तो आपका पैर कलड़ भी सकता है। तो बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका मिड सोल, ठीक है? और बहुत आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसमें जेल का भी उपयोग किया गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और जब बात करते हैं आउट सोल, तो आउट सोल में देखिए ग्रिप, ये जो आउट का है ग्रिप अच्छा होना चाहिए। जब आपका ग्रिप अच्छा रहेगा तब आप कभी रोड रनिंग वगैरह करते हैं या फिर कभी बारिश वारिश पड़ता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ग्रिप रहना जूते के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब भी आप रनिंग कीजिएगा तो अगर आप टाइमिंग वगैरह देते हैं तो अगर आपके जूते में ग्रिप नहीं है तो फिसल के पीछे आएगा, इतना इतना भी अगर पीछे आता तो सोचिए आप कितना स्टेप लेते हैं और कितना पीछे आ जाओगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ग्रिप भी अच्छा होना चाहिए, और ग्रिप रहने से आपको एक अच्छा सा स्टेबिलिटी भी मिलता है और साथ ही साथ आप अच्छे से परफॉर्म भी कर पाते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा, सोल आपको दिमाग में बैठा के रखना है। तीसरा, मुड़ना, फ्लेक्सिबिलिटी अब कैसा होना चाहिए जूता का, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप अपना रनिंग परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, रनिंग में स्पीड दौड़ना चाहते हैं, या फिर आप रनिंग के साथ साथ अदर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, कोई और भी गेम खेलते हैं, तो उसमें भी रनिंग शूज़ में फ्लेक्सिबिलिटी, आपका स्पोर्ट्स शूज़ में फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखिए, जब रनिंग शूज़ की जब फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए वो यहाँ से मुड़ना चाहिए, ना कि इस सेंटर से। जब भी आप कोई अच्छे ब्रांड का शूज़ लेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए ये देता है 20 से, ताकि यहाँ से ना मुड़े, ठीक है? यहाँ से ना मुड़े, तो यहाँ से मुड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ से मुड़ता है तो आपका एड़ी में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? एड़ी और आपका जो बीच एड़ी और बीच का प्लांटर फेसिया, वहाँ पे दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपको ध्यान रखना है तीसरा चीज़। चौथा चीज़, आर्च। आर्च क्या बोलते हैं? आर्च मतलब कि ये कर्वनेस। कर्व अगर नहीं होता है कोई भी शूज़, अगर आप फ्लैट ले लेते हैं सिंपल, तो बाद में आपको क्या होता है कि फ्लैट फुट होने की संभावना होती है या फिर पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द भी आता है। तो ये आर्च रहना बहुत ज़रूरी है, आप कोई सा भी रनिंग शूज़ लेते हैं, ठीक है? तो आर्च सभी में रहता है लगभग, और रनिंग शूज़ अगर आप लेना चाहते हैं बढ़िया तो आर्च वाला शूज़ ही लिया करें, ये आपको हमेशा दिमाग में बैठा कर रखना। ये चौथा क्राइटेरिया हो गया, चौथा टिप्स हो गया। पाँचवा, जब हम बात करते हैं जाली की, ठीक है? जाली, अब कैसा जाली रहना चाहिए, कैसा ये कपड़ा कराना चाहिए, जाली कराना चाहिए, तो वो आपको क्वालिटी टू क्वालिटी आपका डिफर होता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये लेदर लगाया गया, अब ये लेदर सोच के चलिए बहुत ज़्यादा जूते में यही होता है कि लेदर पूरे जूते में होता है, जिसके कारण क्या होता है कंजस्टेड हो जाता है, आपका एयर अंदर नहीं जा पाता, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हीट पैदा होता है और आप रनिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये जाली लेदर इतना चलेगा, अगर कपड़ा का हो जाली तो और अच्छा रहेगा, और कपड़ा के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे आजकल क्वालिटी वाले कपड़े भी आते हैं। अगर आप 1500-2000 से ऊपर वाले रनिंग शूज़ लेते हैं तो उसमें आपको एक से क्वालिटी वाला जाली और कपड़ा भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत दिन तक चलता है। जैसे कि आप ये शूज़ देख सकते हैं, ये कैंपस का रनिंग शूज़ है, ठीक है? ये 700 का रनिंग शूज़ है अप्रोक्स, और देखिए इसका ये कपड़ा ये अभी तक फटा नहीं है, जबकि ये 1.5 साल हो गया उपयोग करते हुए। खास करके मैंने इससे बहुत ज़्यादा रनिंग भी किया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी भी फटा नहीं है। तो कपड़ा अगर अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जाली अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारा छठा चीज़ वेट। अगर जूता का वेट बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा दूर तक उससे रनिंग नहीं कर पाओगे, और बहुत बार आपको दिक्कत होगा, कभी आपके मसल्स में पेन, कभी आपका जो पिंडलिया उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना दिमाग में बैठाना कि जूता का जो एक होता है वो कम से कम 300 ग्राम से कम होना चाहिए, ठीक है? इतना कोशिश कीजिए कि 300 ग्राम से कम होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। छठा टिप्स, जब हम बात करते हैं हमारे सातवें टिप्स की, तो तब आप कहीं जब खरीदने जाते हैं जूता, ठीक है?
अगर आप नेट से खरीदते हैं तो कम से कम 4.1 का रेटिंग जरूर चेक किया कीजिए, ठीक है, 4.1। और ऐसा नहीं कि बस वो रेटिंग 4-5 लोग दिया हो, ऐसा चेक कीजिए कम से कम 2-3, 5,000, 10,000 लोग दिए होंगे, तब 4.1 अगर 4 से ऊपर रेटिंग है तो समझिए कि हाँ जूता में कुछ बात है, जूता अच्छा है, तभी वो सही है। जाके आप फोटो वगैरह सारा चेक कीजिए तभी लीजिए। और दुकान का जब बात आता है, जब आप दुकान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार वाला बोलेगा कि ये बेहतरीन है, ये एकदम मस्त, इसको फाड़ के दिखाओ, ये एकदम बेस्ट है, तो आपको ये सारा चीज़ नहीं ध्यान रखना, ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है, तभी जाकर आप रनिंग शूज़ अच्छा ले पाएगा। अगर दुकानदार का सुनिए कि ये बेहतरीन है, सबसे बढ़िया माल आया है, ये है, उनको बेचने का ही तरीका है, उनको सिखाया जाता है और वो सीखते ही आते हैं, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान नहीं देना है। आपको 4.1 रेटिंग होना चाहिए कम से कम, और दुकान जब जाएँ तो ये सारे क्राइटेरिया को ध्यान रखना। अब बात आई कलर का, ठीक है, कलर एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप सोचिएगा कि कलर भी बढ़िया मिल जाए और साथ में आपको कॉस्ट भी कम पड़ जाए, तो जब आप नेट पे लेने जाते हैं एक ही जूता है लेकिन दो अलग अलग कलर का, तो उसका दाम अलग अलग हो जाता है नेट पे। कभी आपने चेक किया होगा एक शूज़ है वो 1200 रुपये में मिल रहा है, लेकिन उसी का कलर कुछ अच्छा है तो वो आपको मिलेगा 2500-3500 में, तो कलर पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। बस इतना, ये सारा चीज़ आपके दिमाग में बैठाना है कि ये सारा चीज़ मेरे पैरों के लिए सही हो, मेरे रनिंग के लिए सही हो, वही चीज़ लेना है। कलर पे तब जाना है जब आप मेरी तरह रील वगैरह बहुत ज़्यादा बनाते हो, आप बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह बनाते हो, तो आप कलर ले सकते हो। कलर से ही आपका वीडियो भी ज़्यादातर वायरल होता है, और मेरा भी बहुत वीडियो वायरल हो चुका है, आप आसपास देख सकते हैं, मिलियन भी बहुत सारे वीडियो जा चुके हैं, 2-2, 3-3 मिलियन, तो ये कलर के चलते भी होता है। तो कलर आपको तभी लेना जब आप रील वगैरह बनाते हो, अगर आपका ये भी शौक है तब भी, ठीक है। तो अब बात आया नौवा टिप्स का। नौवा टिप्स ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं, बूट पहन के रनिंग करते हैं, ठीक है, जिससे फुटबॉल वगैरह खेला जाता है, तो वो पहन के रनिंग ना करें, वो आपके लिए कड़ा होता है, तो जिसके कारण आपका सीन पेन होगा बार बार, जो आपको तकलीफ देगा। और बहुत बार क्या होता है कि स्कूल में जो वाइट शूज़ रहता है, ठीक है, जो आप सादा वाला पैंट में साथ पहन के जाते हैं, मैं भी जाता था तो मैं भी उसके साथ रनिंग करता था, उससे क्या होता है कि आपका पीछे जो एड़ी है वो छिल जाता है, तो वो आपको अवॉइड करना, और परेड वगैरह जो जूता होता है जिससे परेड वगैरह किया जाता है, तो वो सारे को भी अवॉइड करना। और साथ में ये बात ध्यान रखना कि आपको मोजा जरूर पहनना, अगर आप मोजा नहीं पहनेगा तो आपका पैर बार बार छिलेगा और आपको कम्फर्ट फील नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नौवा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारा दसवा टिप्स, तो दसवा टिप्स में हील सपोर्ट रहना एक अच्छा बात होता है जूता का क्वालिटी के लिए। देखिए हील सपोर्ट का मतलब ये देखिए, ये हील सपोर्ट आपका रहना चाहिए। आप चाहे कोई भी रनिंग शूज़ ले ले बढ़िया, तो उसमें आपको ये हील सपोर्ट जो है वो देखने को मिलेगा ही, खास करके अगर आप एसिक्स या लेते हैं या फिर नाइकी का रनिंग शूज़ लेते हैं, तो उसमें आपको हील सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, और जब आप रनिंग करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी देगा। तो यही थे बेस्ट 10 टिप्स जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस पर शेयर किया है। आपको यही सारा कन्फ्यूज़न होता होगा, ठीक है, मुझे भी ये सारा चीज़ होता था, और मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस के दम पे आपको ये सारा कुछ बता दिया। तो ये सारा चीज़ आप जब भी रनिंग शूज़ खरीदने जाओ, चाहे आप नेट से लो, चाहे आप दुकान से खरीदने जाओ ऑफलाइन, तभी भी आपको ये सारा चीज़ ध्यान रखना, तभी आपको एक इफेक्टिव और एक बहुत अच्छा रनिंग शूज़ मिल पाएगा, ठीक है। अब बात आई कि कुछ ऐसे, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे रनिंग शूज़ रिकमेंड करूँगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिए एक रनिंग शूज़ है ये कैंपस का, ठीक है, जो कि आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर ये जूता मुझे नेट पर मिलता है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अभी तो पता नहीं, लेकिन मैंने इसे 700 रुपये में लिया था, ठीक है। और अभी फ़िलहाल आपको पता है अमेजोन वगैरह पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे चलते रहता है सेल, तो ये शूज़ को देखिए मैंने 1700 रुपये में लिया, जो कि बहुत ही बेहतरीन रनिंग शूज़ है, ठीक है। इसका आप देखिए जेल क्वालिटी, मैंने आपको बताया सारा कुछ, बहुत ही बेहतरीन रनिंग शूज़ है। तो इसी तरह आपको फिराक में रहना है, जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह आता है या फिर सेल वगैरह आता है तो आप शूज़ वगैरह चेक करते रहे, कभी कभी बहुत ही बेहतरीन शूज़ आपको कम रेट में मिल जाता है। अगर हम ये शूज़ का बात करें तो ये कम से कम 3-4 हज़ार का होना ही चाहिए जैसा इसका क्वालिटी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेल में आपको 1700-1800 रुपये में मिल जाता, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना। और अब मुझे भी ये लगेगा कि सेल में कोई जूता बहुत कम में मिल रहा है तो मैं उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। आप वहाँ पे एक बार आप अपडेट रहा करें, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आपको पता ही होगा, ankitrunner04, तो वहाँ से आप जाकर अपडेट हो सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मेरा, क्योंकि मेरा एकेडमी में इतने सारे बच्चे रहते हैं तो सभी बोलते रहते हैं सर ये शूज़ कैसा है, ये शूज़ कैसा है, तो मैं देखता हूँ बढ़िया रहता है तो ऑर्डर भी कर देता हूँ। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। और बहुत लोगों के दिमाग में ये आता है कि भैया सेगा रनिंग शूज़ कैसा है। देखिए जब आप रोड रनिंग करते हैं तो सेगा आपके लिए सही नहीं है, लेकिन जब आप ग्राउंड पर रनिंग करते हैं तो आपका काम चल जाता है। बात यही कि मुझे पता है कि आप लोगों का बजट का थोड़ा दिक्कत होता है, तो अगर आप उससे थोड़ा ऊपर जाना चाहते हैं तो कैंपस का रनिंग शूज़ 700-800 में बेहतरीन मिलता है, वो ले सकते हैं। अगर 1500 से लेकर 2000-5000-6000 तक बहुत अच्छे अच्छे एसिक्स मिलते हैं, आपका एडिडास मिलते हैं, नाइकी मिलते हैं, सकूनी मिलते हैं, कलंजी मिलते हैं, ये सारे रनिंग शूज़ को ले सकते हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं ग्राउंड में जो बच्चे रनिंग शूज़ उपयोग करते हैं वो क्या क्या है। अगर आप 500-550 तक कोई जूता लेना चाहते हैं तो आपको पता है इंडिया का सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला जूता है जो धावक उपयोग करते हैं, इंडियन आर्मी वाले बॉयज़ जो है,
या फिर कोई ऐसे जो सस्ता में सबसे अच्छा टिकाऊ जूता लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सेगा बेहतरीन है। देख सकते हैं आप ये, ठीक है। तो अगर आप 1000 के नीचे कोई शूज़ लेना चाहते हैं, तो कैंपस का जो रनिंग शूज़ है ये सब, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आप 700, 800, 900 तक अगर जूता लेना चाहते हैं कोई बढ़िया रनिंग के लिए। अब जैसे कि कुछ ब्रांडेड शूज़ जैसे एसिक्स हो गया, आपका कैलेंजी हो गया, आपका नाइकी हो गया, आपका सेकोनी हो गया, आपका एडिडास हो गया, ये सारे जो शूज़ है बहुत ही बेहतरीन शूज़ है। लेकिन दिक्कत ये होता है कि ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन फ़ायदा ये कॉस्टली होने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करता है रनिंग के दौरान। आपका जो भी पेन वगैरह होता है, जो भी दिक्कत होता है रनिंग में, जो भी इंजरी होता है, उसको सेव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये भले ही महंगा होता है, लेकिन जितना महंगा होता है उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा देता है। तो ये सारे शूज़ भी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके पास बजट है, उस बजट तक आप लेना चाहते हैं, तो ये सारे शूज़ आप देख सकते हैं। दिखा दो इनको जूम करके एक बार। तो ये जो सारे शूज़ है ये बेहतरीन है। बस ये जो कैलेंजी का शूज़ है, कैलेंजी का जो भी आप शूज़ लेना चाहते हैं, कैलेंजी का मुझे एक मॉडल सबसे बढ़िया लगता है, सस्ता भी है और सबसे बढ़िया लगता है, वो 2500 का ये आता है, ठीक है, कैलेंजी का रनिंग शूज़। इसको आप देख सकते हैं, इसका भी लिंक हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बाकी जो कैलेंजी का 2000 से नीचे वाला शूज़ है, वो उतना अच्छा मेरे को पसंद नहीं आता जनरली, मैं अपना बात बताऊँ। और 2500 वाला शूज़ है ये बहुत बढ़िया लगता है। बाकी ये आप एसिक्स देख सकते हैं, ठीक है, आप ये नाइकी देख सकते हैं, नाइकी पेगस, आप एडिडास का SL20 देख सकते हैं। ये सारे शूज़ बहुत ही बेहतरीन शूज़ है, और ये शूज़ को भी आप चेक कर सकते हैं। ये इसके बारे में आपको पता, बहुत सारे मैराथन जो धावक है वो इस शूज़ को उपयोग करते हैं नाइकी का। तो ये सारे शूज़ आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये सारे रनिंग शूज़ जो मैंने आपको बताया, अगर ये सारे रनिंग शूज़ मुझे नेट पे मिलते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहे। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक थे, जो कि आप रनिंग शूज़ खरीदने जाते हैं तो आपको दिमाग में, जहन में बैठा कर रखना है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी रहेगा। तो दोस्तों यही था इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट करना, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं आपको इसी तरह बेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।